भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में कांग्रेस कार्यालय में कैलेंडर जारी किया गया। वीरभद्र सिंह की तस्वीर वाले 2022 के कैलेंडर के सहारे अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में जीत की फिराक में नजर आ रही है। मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह ने इस कैलेंडर को जारी किया है, क्योंकि इन्होंने ये आज एक कैलेंडर यहाँ जो लॉन्च किया है, ये एक नए साल की मौके पर हम लोगों को देंगे, हमारे कांग्रेस वर्कर को देंगे। और लोगों को हर साल इसका इंतज़ार रहता था कि राजा साहब का घर कैलेंडर हमारे आए और हम घर घर में इस कैलेंडर को लगाएंगे, और वो भगवान की तरह उसके कैलेंडर के आगे धूप बत्ती जलाकर उसको पूजा करते थे। आज भी आप जाओ तो हर एक घर में, मतलब हर एक क्या अमूमन घर में आपको उनकी तस्वीर, उनकी पुराने कैलेंडर आज भी मिलेंगे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु कुलदीप जी ने इसको जारी रखा, इस कार्यक्रम को, और एक जो कैलेंडर की शुरुआत की है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं इनको बधाई देती हूँ और मुझे विश्वास है कि लोग इसको पाकर खुश होंगे, क्योंकि वो भी अपने घर को इस कैलेंडर को लगाकर अपना घर सजाएंगे। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए थे और बड़ा भारी उनके स्वागत के लिए पूरा हिमाचल से कितने लोग गए ये सुनने के लिए कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, तो न जाने हमको क्या तोहफे मिलेंगे, क्या गिफ्ट मिलेंगे, और वो हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ देकर नहीं जाएंगे। परंतु आपने सबने देखा कि उन्होंने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की, हालांकि वो अपनी कुलवी भाषा बोलकर, मंडियाली भाषा बोलकर ये लोगों को दर्शाना चाहते थे कि मैं हिमाचल से कितना जुड़ा हुआ हूँ। हमें खुशी होती है अगर वो कुछ हिमाचल प्रदेश को देकर जाते। बहुत सी कठिनाइयाँ अभी भी हमारे सामने हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से लोगों को बहुत आशा थी कि शायद वो हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े तोहफे देकर हमारे को ये नए साल की शुरुआत करेंगे, परंतु मैं समझती हूँ कि हमारे को निराशा ही हमारे हाथ लगी है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।